टेंशन लेना बन सकता है बीमारियों की जड़। कहीं आप भी तो नहीं हो रहे इसका शिकार? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती हैं, उसके बाद हमें डॉक्टर बताता है कि आप जो है बहुत ज्यादा क्या टेंशन लेते हैं, तो हमें नहीं पता होता है। मैं आपको कुछ लक्षण बताने जा रही हूँ जिनसे आपको पता लगेगा कि आप जो है टेंशन में है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी उसके क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण है दिल की बीमारी होना। अगर आपको दिल की बीमारी हो गई है, हाँ, मतलब आपका ब्लड प्रेशर जो है हाई रहता है, तो समझ लीजिए कि आप टेंशन में रहेंगे तो ये बीमारियां, आप ये रोगग्रस्त होंगे ही होंगे। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ताकि आप दिल के बीमार ना बने, आपका ब्लड प्रेशर है तो वो हाई ना हो। दूसरा, अस्थमा। जब टेंशन होती है तो अस्थमा भी आता है, तो अस्थमा रोगी जो होते हैं वो टेंशन ज़्यादा लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों में अस्थमा का खतरा बढ़ गया है, तो क्यों बढ़ गया है? ऐसा होता है कि जब माँ गर्भावस्था में जो है टेंशन लेती है, तो उसका असर बच्चों पर पड़ता है जो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं। और जब वो बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो उसमें टेंशन पैदा हो जाती है, मानसिक बीमार हो जाता है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं। और तीसरा यह है कि मोटापे का आप शिकार हो सकते हैं। हद से ज़्यादा आपका वजन जब बढ़ने लग जाए, तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं टेंशन लेते हैं या ले रहे हैं। और डायबिटीज़ में भी इसका बहुत बड़ा रोल माना गया है। ऐसा होता है कि दो चीज़ मानी गई हैं। ग्लूकोज हमारे बॉडी में होता है, ग्लूकोज का जो मात्रा है वो ग्लूकोज की बढ़ने लगती है, तो आप समझ जाइए कि आप टेंशन में हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, वो भी मानसिक बीमार हो सकते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन से दूर रहिए, व्यायाम कीजिए, ठीक रहिए। और कोरोना का दौर चल रहा है तो सैनिटाइजर लगाते रहिए और मास्क ज़रूर पहने, ताकि आप भी इन रोगों से बचे रहें। और आप मेरे साथ देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हेल्थ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फिटनेस एंड लाइफस्टाइल से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हेल्थ।